नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? सर आज मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं। सर सर देखिए, कुछ दिन पहले हमने आपसे मार्च मंथ में मैंने सभी से टीचर से आपका टीचिंग एरिया क्या है, टीचिंग क्लास कौन सा है, टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, ये डेटा हमने मतलब प्रॉपर वे से मांगा था और साथ साथ आप लोगों का एक पिक भी मांगा था। इसमें मैं आपको बता दूँ सर, बहुत से टीचर हैं जो मतलब हमारे साथ शेयर किए, आपका हमारा विश्वास है तो आप हमारे साथ शेयर किए सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी इस काम को किया सर। आप मेरे व्हाट्सएप प्रोफाइल में जाके कैटलॉग में देखेंगे तो उसमें हजारों टीचर्स का फोटो डिटेल्स लगा हुआ है सर, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन सर उसमें शिकायत क्या है सर, आपको मैं बताता हूँ सर। देखिए, जिन टीचर का प्रोफाइल अच्छा बना हुआ है, मीन्स कि उनकी क्वालिटी, देखिए टीचर, अगर आप एक बात बताइए, किसी पेरेंट्स, आप टीचर हैं, किसी पेरेंट्स को आपको बुलाना है तो सबसे पहले वो क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन वो देखेंगे कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, ठीक है। बट रहते देखिए, माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी क्या है वो उसके बाद में, पहले क्वालिफिकेशन फर्स्ट की है वो, ठीक है। आपको जानना कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट किए, मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए। इसके बाद बात आती है कि आप वर्क कितने दिनों से कर रहे हैं, इस कौन से क्लास को पढ़ाते हैं और कौन कौन से एरिया में पढ़ाते हैं। इसके बाद आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है और इसके बाद बात आती है सर, आप मिनिमम क्या चार्जेज कम से कम करेंगे तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो पेरेंट्स को ये डिटेल्स चाहिए, तभी कोई भी पेरेंट्स आपके पास अचीव कर सकते हैं, मीन्स कि आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके बारे में बता सकते हैं। तो अभी जिन जिन टीचर का हम देखे हैं, इसमें देखिए 1,500, 700, 800, 1,000 जो भी टीचर्स लगे हैं उनमें 10-12 टीचर का प्रोफाइल बहुत अच्छा बना है और मैं आपको प्रॉमिस करके कह रहा हूँ आपको, मैं उन टीचर का, देखिए मैं बहुत सारी बात जो मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, मैं टीचर की बातें मैं शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे टीचर जो हैं अपने आप को सिक्योरिटी फील भी नहीं करते। जैसे आप मान लीजिए कि एक मैम है, उनका एक रिक्वायरमेंट आया कि हनुमान नगर से, पेरेंट्स लिंक किए हैं उनको, हमने नहीं किया है, पेरेंट्स कॉन्टेक्ट सर इन्हीं मैम को भेजिए, ठीक है। तो अब मैं उनके बारे में, मैं उनको तो नहीं बोलूँगा कि मैम आप वीडियो बना के दीजिए, तो पेरेंट्स को मैं नहीं बोलूँगा, बात समझ रहे हैं ना। तो आप तो कहेंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं कि सच, लेकिन ये बात हकीकत है, उन तक वीडियो जाएगी तो आपको उनको पता चल जाएगी कि नहीं सर सच बोल रहे हैं। एक सर हैं गोला रोड में, उनके बारे में इंक्वायरी पेरेंट्स किए थे। एक राजा बाजार से एक सर हैं, उनके बारे में भी, एक फिजिक्स के टीचर हैं उनके बारे में भी। तो जिन टीचर का कैटलॉग में अच्छे से डिटेल्स फिल है उनको पेरेंट्स भी अचीव कर रहे हैं, पेरेंट्स भी करें। दूसरी बात है कि आपकी फ़ोटो लगी हुई है, अगर मान लीजिए कि आप कहेंगे सर उससे हमें कोई फ़ायदा नजर आता, फ़ायदा है। देखिए आप जब ही काम कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है ऐसा बात नहीं है, फ़ायदा है, बशर्ते आपके काम में कितनी ऑनेस्टी है उस पर डिपेंड करती है। हमने ऑनेस्टी से किया तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है सर। इसी मैम को मैंने, मैम को, मैम आप जाना चाहती हैं? हेलो सर, आप जाना चाहते हैं? तो जी सर, टाइम है, हाँ ये पेरेंट्स का कॉल है, इतना पेमेंट करेंगे। तो उस समय क्या हुआ कि हमारे लिए भी आसान हो गया, हमारे लिए भी आसान हो गया। मैंने उस जो रिक्वायरमेंट आए उनको मैंने लैब भी नहीं किया क्योंकि वहाँ पर एक पार्टिकुलर पर्सन को चूज किया जा रहा है कि इन्हीं को भेजना है। अगर वहाँ पे तो सर टीचर भेज दीजिए, और एक होता है कि नहीं इसी सर को भेजिए, तो वहाँ पर आपका एक फ़ोटो भी लगा हुआ है तो फोटो से पहचानेंगे ना पेरेंट्स कि सर आपने जिनको भेजा है वो वही व्यक्ति है या दूसरे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर काम सर पूरी ऑनेस्टी से की जाती है, आप लोग एकदम विश्वास बनाए रखें। और बहुत से टीचर ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नंबर हमारे मोबाइल में, हमारे सिस्टम में सेव हैं, लेकिन वो मैं उनको ऑफर नहीं मिला अभी तक। तो आपको मैं बता देता हूँ सर कि आपके साथ मैंने इसलिए नहीं जुड़ा अभी तक, आपके साथ मैंने इसलिए अभी तक नहीं जुड़ा सर क्योंकि मैंने आपको पहचाना नहीं सर, मैंने आपको जाना नहीं सर, आपने हमारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया सर, आपने, अगर टर्म एंड कंडीशन की बात रही सर, बहुत सारी बातें उसको आपने मैनेज नहीं किया सर, आपने मुझे समझा नहीं सर, मैंने आपको समझा नहीं सर। इसलिए अगर मैं ये चीज़ हो जाए सर तो मैं आपको, आपके साथ जुड़ूंगा सर, आपके साथ काम करूँगा, मैं सभी टीचरों के साथ काम करूँगा सर। बशर्ते सर इसके लिए आपको सर थोड़ी सी मैं आपको समझ जाऊँ और आप मुझे समझ जाएँ, लेकिन मेरा समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सर थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिए, अपना डिटेल्स अच्छे से शेयर करें और जब भी फ्री टाइम रहे तो आप अच्छे से बातें करें। देखिए ऑफिस आवर में आप कॉल करेंगे तो आपसे अच्छे से बातें होगी, 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक में। और इसके बाद सर कभी हम मार्केट में हैं, कभी हम क्लास में हैं, कभी कुछ हैं, कभी फैमिली के साथ हैं, कभी दोस्तों के साथ हैं, तो उस समय थोड़ी बात करनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है।
तो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बात करें सर, बहुत अच्छे से बात होगी, अच्छे से जुड़े। और देखिए जिन टीचरों का नहीं है उन टीचर लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखिए, अच्छे से, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना बेहतरीन लगेगा सर। तो उसको आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लें, और मेंटेन करने के बाद देख कैटलॉग से आपकी भी रिक्वायरमेंट आएगी सर, और आपको जल्द से जल्द आपकी ऑफर्स में पहुंचूंगा, ऑफर से जुड़ने की कोशिश करूंगा सर। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट हो चुका है, इसमें मैंने ट्यूशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, टर्म एंड कंडीशन, और मैं आपको सजेशन एडवाइस, बहुत सारे अनुभवी टीचर का मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा सर। तो काइंडली सर उसके मैं चाहूंगा सर कि आप उसे सब्सक्राइब कर लें, मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं और मैं काम जो कर रहा हूं उसकी रिजल्ट भी मुझे आ रही है, ताकि हमसे लोग देखिए आप सब्सक्राइब, देखिए आप तभी तक सब्सक्राइब करेंगे जब तक आप हमसे खुश हैं, मैं जान रहा हूं। तो आप अगर अब हम मैं तो ये तो समझूंगा ना सर कि हमसे इतने पर्सन जो हैं खुश हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले सर, और वीडियो को शेयर करें सर, ताकि हमारे जो टीचर मित्र हैं नए नए मित्र भी हमसे जुड़ सके, नए नए पेरेंट्स जुड़ सके, और आपकी हम मदद कर सके, और आप भी मुझे मदद कीजिए। मैं भी सर रात का अभी 3 बज रहा है सर, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो सर मैं भी मेहनत कर रहा हूँ सर आपके लिए, और आप मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, एक दूसरे के लिए इंटरलिंकेड है, तो आप भी मुझे सपोर्ट करें। नहीं सर आपको तो सर शेयर करेंगे आपको नहीं, आपको भी फायदा होगा, आप वीडियो शेयर करेंगे, कोई पेरेंट्स कांटेक्ट करेंगे, तो क्या मैं उसको पढ़ाने जाऊंगा? ठीक है, मैं उसके बदले चार्जेज करूंगा, वो तो सर मेरा क्या है, तो मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर, मैं भी काम कर रहा हूँ, ऑफिस खोल के रखा हूँ सर, 10-12 स्टाफ्स हैं, सभी को मैनेज करता हूँ सर, 24 घंटा फोन के साथ लगा रहता हूँ सर, आपके व्हाट्सअप का एक रिप्लाई देता हूँ सर, आपके कॉल का आंसर देता हूँ सर, तो मेरी तो सर रोजी रोटी ही यही है, मैं इसी पर डिपेंडेंट हूँ, तो मुझे तो चाहिए, बट सर आपको भी चाहिए, तो एक दूसरे से आप हमें फ़ायदा पहुंचाइए, हम आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, यही दुनिया है सर। कोई भी रिलेशनशिप में आप देख लीजिए सर, एक दूसरे का बेनिफिट है, बाप बेटे का रिलेशनशिप में देख लीजिए, पति पत्नी का देख लीजिए, भाई बहन का देख लीजिए, दोस्ती का देख लीजिए, कोई भी रिलेशनशिप को आप उठाकर देखेंगे किताब को खोल करके, तो एक दूसरे से दोनों को बेनिफिट है सर। इसी तरह से आपकी और हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी चलेगी, और आपकी हमारी संबंध भी किसी भी पेरेंट से तभी तक हमारी दोस्ती अच्छी चलेगी और हमारे साथ अच्छे से मिलकर रहेंगे जब तक उनको हम अच्छे टीचर प्रोवाइड करते हैं। आप भी जाएंगे तो आपके साथ तब तक अच्छे से रहेंगे जब तक वो क्या कहते हैं आप उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, और आप भी हम आपके साथ तब तक दोस्ती करके रखेंगे जब तक कि आप मुझे मेरे साथ अच्छे से संबंध बना के रखते हैं, मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और आपको आप भी मेरे साथ तब तक रखेंगे जब तक कि मैं आपको नुकसान न पहुंचाता हूं। अगर एक दूसरे को बेनिफिट है सर, और एक दूसरे को बेनिफिट तभी होगा, जैसे देखिए आपको आपने मेरे ऊपर 500 रुपया लगाया, मैं आपको 5000 का बेनिफिट कराऊँ, तभी जाकर जैसे अगर आपको कोई पेरेंट 2000 रुपया दे रहे हैं, उनको 4000 का पढ़ाई पढ़ाइए, उनके बच्चे को 4000 का एजुकेशन दे कर आइए, देखिए वो पेरेंट्स कभी नहीं आपको छोड़ेंगे। अगर आप चाह रहे हैं 2000 रुपया आपको ले रहे हैं, अगर आप 500 का एजुकेशन दे के आ रहे हैं या 1000 का दे रहे हैं, 1800 का दे के आ रहे हैं, तो आपको हटा देंगे सर, क्योंकि देखिए कम कोई नहीं चाहता, सब चाहता है ज़्यादा, मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा। अगर मैं भी आपको ट्यूशन दूंगा 2000 का, अगर मैं चाहूंगा कि नहीं सर सर के माध्यम से कोई और ट्यूशन मिले, पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट से, और हमें बहुत सारे पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, सर फलाने जगह पर मेरे दोस्त रहते हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको टीचर चाहिए, मुझे बहुत खुशी होती है कि सर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ टीचर्स भी हमारे साथ करते हैं, सर फलाने जगह पर एक ट्यूशन है इस लोकेशन में सर, आप तो सर एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने से ही दुनिया चल रहा है सर, प्लीज़ संबंध बनाए रखें सर। और जो भी सर अगर मान लीजिए कभी भूल चूक में गलती सलती होती है, तो उसको माफ़ किया जाए सर। धन्यवाद।